अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जरीन। आप देख रहे हैं जरीन किचन। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बनाते हैं। आज हम बनाएंगे केरला में चाय के साथ खाए जाने वाला फ्राइड केक, जिसे वीटू केक भी कहा जाता है। वीटू केक बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप शक्कर, आधा कप गर्म दूध, 1 टेबल स्पून सूजी, कुछ धागे केसर के, 1 चुटकी नमक, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 2 कप मैदे का आटा और 2 टेबल स्पून तेल। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब लेंगे एक बाउल, उसमें डाल देंगे आधा कप गरम दूध। यहाँ पर मैंने आधा कप शक्कर ली है, जिसे मैंने पिसा नहीं है, क्योंकि दूध गर्म है, शक्कर इसमें आराम से मेल्ट हो जाएगी। साथ ही डाल देंगे तेल, केसर, इलायची पाउडर और 1 चुटकी नमक। इन सब को पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, जब तक कि शक्कर इसमें अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। केसर मैंने इसमें सिर्फ कलर के लिए डाला है, और अगर आप केसर नहीं डालना चाहते तो ऑरेंज फूड कलर भी इसमें डाल सकते हैं। शक्कर को मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया है, क्योंकि ये केक का कलर थोड़ा सा ऑरेंज होता है, इसलिए मैं इसमें 2 चुटकी जितना ऑरेंज फूड कलर मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर और सूजी, इन दोनों को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर इसे मिक्स करते जाएंगे। जब तक मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, तब तक आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। ये देखिए, 1 कप जितना आटा मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे हम हाथों से गूंदेंगे। आटे को हमें ना ज़्यादा सख्त करना है और ना ज़्यादा सॉफ्ट, मीडियम आटा गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर इसे मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, आटा मैंने गूंद लिया है। इतना आटा गूंदने के लिए मुझे 2 कप और 4 टेबल स्पून मैदा लगा है। अब इस आटे को ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे अच्छे से सेट होने के लिए। आटे को रख के आधा घंटा हो चुका है, आटा अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखिए, अब इस आटे के हम 2 पेड़े बनाएंगे। एक हम ढककर रख देंगे ताकि सूखे नहीं, और ये एक पेड़े को हम इस तरह करते हुए इसका एक बड़ा सा रोल बना लेंगे। रोल मैंने बना लिया है, अब इसे साइड से थोड़ा कट कर देंगे ताकि इसका शेप अच्छे से आए। इसे इसी बॉल में डाल देंगे और करीब 2-2 इंच की दूरी पर इसे हम कट कर लेंगे। सारे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। अब एक पीस लेंगे और इसे इस तरह कट लगा देंगे। हमें पूरा नीचे तक कट नहीं लगाना है, बस आधे तक ही कट लगा देंगे। ये देखिए, मैंने एक कट कर लिया है। आप चाहो तो इसे इस तरह क्रॉस में भी कट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से इसे जिस तरह चाहें उस तरह कट करें। ये देखिए, सभी को मैंने कट करके शेप दे दिया है। चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। गैस पर मैंने तेल को मीडियम गरम कर लिया है। जब तेल मीडियम गरम हो जाए तो हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें डाल देंगे केक के पीसेस। कढ़ाई में जितने आसानी से आ जाए उतने ही पीस इसमें हम डालेंगे, क्योंकि ये फ्राई होने के बाद साइज़ में बड़े हो जाते हैं। अब इन्हें दोनों साइड से लो फ्लेम पर अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये एक साइड से फ्राई हो चुके हैं और ये साइज़ में भी डबल हो चुके हैं। अब इन्हें पलट देंगे और दूसरे साइड से भी अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे।
ये देखिए ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बस अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह सारे फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारे टी टाइम फ्राइड केक बनकर तैयार है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।